सब कंप्यूटर वायरस, नेचर ऑफ वायरस, वायरस करता क्या है, बायोलॉजिकल वायरस या कंप्यूटर वायरस में क्या डिफरेंस है, ये सब आप समझ चुके हैं। अब टाइप्स ऑफ वायरस और टाइप्स ऑफ देयर डिस्ट्रक्शंस हम समझेंगे। किस तरह का वायरस किस तरह का डिस्ट्रक्टिव या किस तरह का ब्लास्ट करेगा या किस तरह का डैमेज करेगा ये हम समझेंगे विथ कैटेगरी वाइज। ओके, नंबर वन रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट वायरस देखिए, बुक होने के बावजूद आपको नोट करना चाहिए, क्योंकि जब आप नोट करते हैं किसी चीज को तो वह चीज आपके दिमाग में आती है। अगर आपने ये सोचा हुआ है कि नहीं किताब में है ही, घर पर जाकर नोट कर लेंगे, तो वो किताब में ही रह जाएगा, दिमाग में नहीं जाएगा। रेसिडेंट वायरस। नंबर टू नॉन रेसिडेंट वायरस। नॉन रेसिडेंट वायरस। थ्री प्रोग्राम वायरस। फोर मैक्रो वायरस। मैक्रो MACRO मैक्रो वायरस। नेक्स्ट ट्रोजन TROJAN TROJAN ट्रोजन वायरस। मैलवेयर MALWARE मैलवेयर। स्पाईवेयर SPYWARE स्पाईवेयर। वॉर्म WORM वॉर्म, आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा वॉर्म, कीड़ा, केचुआ टाइप, जैसे वो होता है ना जोक, जो बॉडी में लटक करके चूसता है बॉडी, जब तक चूसेगा तब तक कि वो उसका पूरा ब्लड सकिंग खत्म नहीं हो जाता, खास करके कीचड़ वाले पानी में वो मिलता है वॉर्म, और उसको निकालने का एक ही तरीका है नमक। अब हाथ से निकालेंगे चूंकि वो पूरा स्टिकी बॉडी होता है, हाथ फिसल जाएगा। और ज्यादातर वॉर्म ब्लड सक करते समय दर्द पैदा नहीं करते, इसीलिए और उनका पसंदीदा जानवर है भैंस या सुअर, बिकॉज ये लोग हमेशा कीचड़ में बैठते हैं, कीचड़ वाले जानवर को एक पर ज्यादा शक करता है, तो वो जिस जगह करता है उसके अंदर एक खास तरह का एंजाइम पाया जाता है जो आपके बॉडी की उस पार्ट को सुन्न कर देता है। तो सुन्न कर दिया, जैसे मच्छर काटेगा तो दर्द होगा, तब आप पता चलता है, जैसे लेकिन जो दिन वाला मच्छर है वो दर्द नहीं पैदा करता, वो पहले ब्लड चूस के जब निकल जाएगा तब जाके खुजलाहट बहुत तेज होती है, उसका काम हो चुका है, उसका काम हो चुका है, वो उड़ गया है। अब आपको एक मिनट के बाद खुजलाहट, और लगभग 30 से 35 मिनट खुजलाहट होती रहती है, जितना उसको आप खुजलाएंगे उतना ज्यादा वो